नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। और हम आज आपके पास जो टॉपिक लेके आए हैं वह कॉम्प्लेक्स नोटेशन और जे नोटेशन जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, उसको देखने से पहले इसका बेसिक देख लेते हैं। यहाँ पर जो जे है, जे मतलब जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पर पढ़ रखा है ए प्लस आई बी, आई मीन्स आयोटा, इसके जगह हमने जे यूज करना है क्योंकि स्मॉल आई से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब करंट अगर ये रिप्रेजेंट हो रहा है तो हम इसको कॉम्प्लेक्स में नहीं यूज करेंगे, कंफ्यूजन होगा, उससे बचने के लिए हमने यहाँ पर क्या यूज करना है, जे। तो ये भी इसको देखते हैं जरा, जे क्या है। जे इज इक्वल्स टू जो आई का वैल्यू होता है उसी तरीके से इसका भी होगा, अंडर रूट माइनस वन। अब कॉम्प्लेक्स नोटेशन के लिए, कॉम्प्लेक्स जे नोटेशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसके जो प्लेन होते हैं वो एक एक्सिस होगा रियल का, दूसरा होगा इमेजिनरी का, और इमेजिनरी एक्सिस कह लीजिए तो उसको हम जे से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी भी क्वांटिटी रियल एक्सिस पे आएगी सब रियल होंगे और जे एक्सिस पे आएंगे वो हमारे इमेजिनरी एक्सिस होंगे। यदि रियल में 90 डिग्री से मल्टीप्लाई हो जाए, अगर रियल में जे से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये जो एक्सिस है ये 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज रोटेट होगा, यानी ये अब बन गया हमारा क्या इमेजिनरी पार्ट। हम यहाँ पर आर के जगह यहाँ पर हम एक कोई कांस्टेंट ले लेते हैं ए। अब ए में हमने अगर ए में मल्टीप्लाई किया जे से तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया 90 डिग्री। अगेन इसमें मल्टीप्लाई किया जे इंटू जे ए तो ये अगेन क्या होगा, 90 डिग्री इस इमेजिनरी पार्ट से और हो जाएगा, या अगर रियल एक्सिस से देखा जाए तो ये 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं जे स्क्वायर ए, या लिख सकते हैं माइनस ए। तो ये हमें रियल मिल गया अगेन, लेकिन ये 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेटेड है। तो ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज रोटेट, कहाँ से, इस रियल से। तो हम समझते हैं ये ए हो गया, जब इस पर आएगा ये पार्ट ए हो गया। अगर हमने जे से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा जे ए, फिर जे से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा जे स्क्वायर यानी माइनस ए, और ये 180 डिग्री, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अगेन जे से एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं तो जे इंटू जे ए इसको हम लिख सकते हैं माइनस जे ए। तो ये जो है 270 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज रोटेट हो जाएगा, कहाँ से, इस रियल एक्सिस से 270 डिग्री, यानी हम पहुँच जाएंगे इस वाले पॉइंट पे। तो ये हो जाएगा माइनस जे ए, अगेन इसमें जे से मल्टीप्लाई किया तो जे इंटू ए तो ये हो जाएगा जे स्क्वायर इंटू जे स्क्वायर
इंटू ए, माइनस वन प्लस वन यानी ए आ गया, ये क्या हो गया 360 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज रोटेट हुआ है और ये वापस से रियल एक्सिस पे आ जाएगा। यानी हम क्या देख रहे हैं कि अगर कोई कोई भी वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर, मान वोल्टेज हो या करंट हो, उसमें अगर जे ऑपरेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम इस उसमें चेंज होता हुआ दिख रहे हैं, उसमें रोटेशन दिख रहे हैं 90, 180, 270 एंड 360 डिग्री का। तो यहाँ से अगर हमको रियल वैल्यू या कह लीजिए कोई वैल्यू दिया हुआ है, अगर उसको उसमें हम जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कॉम्प्लेक्स देगा, अगर अगेन जे से मल्टीप्लाई किया तो हमें अगेन रियल देगा। तो ये हमें 360 डिग्री का इसमें रोटेशन दिख रहा है, इस तरीके से ये रोटेट होगा। ये रोटेट होता हुआ दिख रहा है। आते हैं कुछ और बेसिक्स देखते हैं। अब जो हमारा फॉर्म है, मेनली दो ही फॉर्म पढ़ने हैं कॉम्प्लेक्स नोटेशन के। जो पहला फॉर्म है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म है और रेक्टेंगुलर फॉर्म को ऑलवेज रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस जे बी से। दूसरा जो फॉर्म आता है वो होता है पोलर फॉर्म और पोलर फॉर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर एंगल थीटा। यहाँ आर इंडिकेट कर रहा है मैग्नीट्यूड। देखते हैं इस रेक्टेंगुलर को कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ड्रॉ करके। ये हमारे पास प्लेन है, ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस। यहाँ हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और जो इनका रिजल्टेंट होगा वो होगा आर, यही एंगल होगा थीटा। तो यहाँ पर ये जो ए प्लस जे बी है रेक्टेंगुलर फॉर्म है, आर थीटा पोलर फॉर्म में है। अब हमने इन दोनों में रिलेशन निकालना है, कैसे निकलेगा रिलेशन वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम आर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ये बेस है, ये बेस है यानी ये जीरो हो गया, जीरो से ए और ये हाइट है। तो पाइथागोरस रूल से क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विथ रूट, ये हमें क्या मिल गया आर। और आर क्या है, इसका स्लोप कह लीजिए, ठीक है। और थीटा क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स बी बाई ए, ये हमें क्या मिल जाएगा, इसका एंगल इस रियल एक्सिस से कितना बना रहा है। तो ये मैग्नीट्यूड हमें पता है, तो हमने ये एक रिलेशन निकाला और एक ये रिलेशन निकाला। यहाँ से यदि हमारे पास ए प्लस जे बी के फॉर्म में कोई भी वैल्यू दिया हुआ है तो हम अगर सिंपल इसका मॉड ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। और जब हम एंगल निकालेंगे यानी टैन थीटा तो ये हो जाएगा बी अपॉन ए। तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, ये पोलर फॉर्म है, इन दोनों को हम रिलेशन देख लिए। हमने क्या करना है, सिंपल अगर रेक्टेंगुलर दिया तो उसका मॉड लीजिए तो ये मैग्नीट्यूड में मिल जाएगा और हम एंगल निकाल लेंगे। अगर पोलर टू रेक्टेंगुलर करना है तो पोलर टू रेक्टेंगुलर के लिए आर एंगल थीटा, अगर पोलर टू रेक्टेंगुलर करना है तो हमें पता होना चाहिए कि आर मैग्नीट्यूड है और थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला एक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, वो लिखते हैं कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। तो इस तरीके से इस पोलर को हम पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर इसको हम चेंज कर लेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म में।
ये है रेक्टेंगुलर टू पोलर, और यहाँ है पोलर टू रेक्टेंगुलर। तो ये सब हमने विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर करना है। अगर कैलकुलेटर हमारे पास है, साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो उसका यूज़ करके हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कैसे हमने रेक्टेंगुलर को पोलर या पोलर टू रेक्टेंगुलर चेंज करना है। यहाँ पे आई थिंक क्लियर होगा सबको कि ए रियल है, बी इमेजिनरी है, ए और बी का रिजल्टेंट आर है, और आर रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो रिलेशन देखते हैं। रिलेशन के लिए रिलेशन तो मिल गया हमें। इस रिलेशन को समझने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। कुछ क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर टू पोलर कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसमें 3+4j, दूसरा है 5j, तीसरा है 6, चौथा है 5-7j। अब इनका कन्वर्जन देखते हैं कैसे करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पोलर टू रेक्टेंगुलर। इसमें पहला है 5∠30°, 6∠0°, 10∠-45, 2∠90°, 3∠-90°। तो ये हम कैलकुलेटर से चेक करेंगे कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। देखते हैं कैसे कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। हमारे पास जो कैलकुलेटर 100 ms है, अब इस 100 ms से हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने ऑन किया, और ऑन करने के बाद इसमें मोड ऑप्शन है, मोड ऑप्शन पे गए, प्रेस किया वन टाइम, तो मोड में हमें दो आ रहा है, COMP और CMPLX। तो CMPLX मतलब कॉम्प्लेक्स, और उसके नीचे 2 दिया हुआ था, तो 2 को हमने प्रेस कर दिया। तो अब ये पूरा कैलकुलेटर जो है हमारा कॉम्प्लेक्स मोड में चला गया। अब हमने जो वैल्यूज़ हैं उनको रखना है और सॉल्व कर देना है। कैसे पुट करना है ये इम्पोर्टेंट है। अब जो रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्जन में पहला जो क्वेश्चन दिया है उसमें दिया हुआ 3+4j, तो सबसे पहले हम 3 प्रेस करेंगे, 3 आ गया, प्लस 4j। अब j हमेशा ध्यान रखना होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आयोटा है वो हमेशा नंबर के बाद ही यूज करेंगे इन कैलकुलेटर। तो 4 के बाद आई लगाएंगे, अगर हम 4 से पहले आई लगाएंगे तो कॉम्प्लेक्स ये जो कैलकुलेटर है वो एरर देगा। तो हमने 4 के बाद आई लगाना है, तो आई के लिए हमने क्या किया, शिफ्ट प्रेस किया, उसके बाद ENG के जस्ट ऊपर आई बना हुआ है, इसको हमने प्रेस कर दिया। अब ये 3+4i के फॉर्मेट में आ गया। अब इसके बाद हमें करना क्या है कि हमें पोलर फॉर्म चाहिए, तो पोलर फॉर्म के लिए शिफ्ट प्रेस करिए, इसके बाद प्लस साइन पे r थीटा लिखा हुआ है, तो इसको हमने प्रेस कर देना है, इसके बाद इक्वल कर देना है। तो हमें क्या मिल जाएगा पोलर फॉर्म का, r की वैल्यू आ गई है 5, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद एंगल हमें निकालना होगा, तो शिफ्ट प्रेस करेंगे, अगेन इक्वल्स टू करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा एंगल 53.13। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं।
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है 5J, इसमें रियल पार्ट नहीं है केवल इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी वैल्यू रखेंगे। 5 प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस किया, फिर इस आई को प्रेस किया जो ENG के ऊपर है, इसके बाद अगेन शिफ्ट प्रेस किया, ये इस फॉर्मेट में हमने लिख लिया 5i r थीटा, यानी ये 5i को ये कैलकुलेटर r थीटा में कन्वर्ट करेगा। यानी हमें अब चाहिए क्या, मैग्नीट्यूड। तो जैसे इक्वल किया हमें मैग्नीट्यूड मिल गया 5, अब हमें एंगल चाहिए, तो शिफ्ट प्रेस किया, इक्वल किया, हमारा एंगल आ गया 90 डिग्री। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 6, only 6, यानी रियल पार्ट दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है, 6 प्रेस करना है, कोई इमेजिनरी नहीं है तो छोड़ देना है, शिफ्ट प्रेस करना है, फिर इस प्लस साइन को प्रेस करना है, इसके ऊपर आर थीटा है, यह हमें क्या देगा, केवल और केवल रियल पार्ट, और एंगल देखते हैं इसका, यह एंगल आ जाएगा 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 माइनस 7J, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो 5 माइनस 7 ये हमने प्रेस कर लिया, अब हमने आई लगाना है, तो शिफ्ट प्रेस किया, उसके बाद ENG किया, ये 5 माइनस 7J में आ गया। इसके बाद हमने शिफ्ट प्रेस करके प्लस साइन को प्रेस करना है, इक्वल्स टू करना है, तो हमें 8.60 ये हमें मैग्नीट्यूड मिल गया, आर की वैल्यू मिल गई। अब एंगल निकालते हो, तो एंगल के लिए हमने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है और इक्वल्स टू करना है, तो हमें एंगल मिल गया -54.46 डिग्री। तो हमने क्वेश्चन वर में क्या सीखा, रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्जन, इसके बाद पोलर टू रेक्टेंगुलर देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगेन कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड में ही रखना है। अब हमने लिख हमें पहला क्वेश्चन है 5 एंगल 30, तो 5 एंगल 30 में 5 को प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस किया, अब एंगल 30 लिखना है, तो एंगल जो है हमारा वो बना हुआ है इस माइनस साइन के ऊपर, यहाँ देखिए ये एंगल बना हुआ है, तो शिफ्ट के बाद ही प्रेस होगा, प्रेस कर लिया, एंगल बन गया, एंगल है 30 डिग्री, तो हमने 30 डिग्री लिख लिया। अब हमने चाहिए क्या, इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म के लिए शिफ्ट प्रेस करिए और आ जाइए माइनस साइन पे, माइनस साइन के ऊपर a+bi लिखा है, यानी ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, इसको प्रेस कर दिया। अब हमने शिफ्ट प्रेस करना है, इक्वल करना है, तो ये आ गया हमारे पास 4.33, ये मैग्नीट्यूड आ गया। इसके बाद यानी रियल पार्ट आ गया, इसके बाद हमें इमेजिनरी चाहिए, तो शिफ्ट प्रेस किया, इक्वल किया, तो 2.55 आ गया। तो ये हमने क्या किया, इस पोलर को रेक्टेंगुलर में चेंज किया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 6 एंगल 0, तो 6 लिखा हमने, शिफ्ट प्रेस किया, ये माइनस साइन के ऊपर बना है एंगल, तो इसको हो गया एंगल, किया 0 लिख दिया, फिर शिफ्ट प्रेस किया, माइनस साइन के ऊपर बना है क्या a+bi, इसको प्रेस किया, इक्वल्स टू प्रेस किया, तो 6 आ गया। अब इसका हमें इमेजिनरी पार्ट निकालना है, तो इमेजिनरी पार्ट आएगा 0i। इसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 10 एंगल -45, तो 10 हमने प्रेस कर दिया, शिफ्ट प्रेस किया, एंगल प्रेस किया, माइनस साइन के साथ लिखेंगे -45, शिफ्ट प्रेस किया, माइनस साइन प्रेस किया, अब ये हमें रियल पार्ट दे देगा 7.071। अगेन शिफ्ट प्रेस किया, इक्वल प्रेस किया, तो आ गया -7.07i, ये कन्वर्जन हो गया। इसके बाद हमने 2 एंगल 90, तो शिफ्ट प्रेस की सॉरी 2 प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस किया, एंगल प्रेस किया, 90 डिग्री लिखा। 90 डिग्री के बाद अब हमने इसको चेंज करना है किसमें, रेक्टेंगुलर में, तो इस रेक्टेंगुलर फॉर्म में लगा दिया, इक्वल्स टू किया, तो 2i आएगा। 2i इट मीन्स इसका रियल पार्ट नहीं है, केवल इमेजिनरी पार्ट है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है
एंगल माइनस 90। थ्री एंगल माइनस 90 तो ये हो जाएगा शिफ्ट माइनस 3i। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेटर का यूज़ देखे। हमें सिंप्लिसिटी के लिए कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड में रख के सॉल्व करेंगे तो हमारा कोई भी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड नहीं फंसेगा, सब सॉल्व हो जाएगा। तो हमने देखा कि कैसे कैलकुलेटर के हेल्प से हम वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं कैसे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस पे दिखेंगे।